हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं LIC का IPO आने वाला है। हमारे ज़्यादातर वीडियो LIC से ही रिलेटेड होते हैं, तो LIC के IPO के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि IPO आखिर होता क्या है। IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में अपना नाम दर्ज करना पड़ता है, उसी को हम IPO बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर वे जानते नहीं हैं कि वो कैसे करें या कैसे किया जाए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसकी इनिशियल फंडिंग ज़्यादातर क्या होता है, फैमिली और फ्रेंड्स की होती है या उनकी खुद की सेविंग होती है। और जब कंपनी थोड़ा सा ग्रो करती है तो एंजल इन्वेस्टर राउंड होता है, जिसमें एंजल इन्वेस्टर मदद करता है। उसके बाद वेंचर कैपिटल फर्म या प्राइवेट इक्विटी फर्म पैसा डालती है। फिर IPO का नंबर आता है। मोटा मोटा अगर समझना चाहें तो कोई भी कंपनी अगर अपना एक्सपेंशन चाहती है और पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो IPO निकालती है। इस पैसे के बदले वो कंपनी को अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को शेयर करती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो आप उन शेयर के बदले कंपनी को पैसा देते हैं। जैसे कंपनी का शेयर 500 रुपये का है और आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो आपके 50,000 रुपये कंपनी में लगे हैं। वे पैसे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएगी और उस पैसे से जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी की कीमत बढ़ती जाएगी और आपके शेयर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। आप जब चाहे शेयर बेच के अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि LIC का IPO कब आने वाला है और आपको LIC के IPO क्यों लेना चाहिए। और साथ ही में वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।